बंद करो। अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरत गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तरीके से उन्होंने अपूर्व शर्मा को मारने काटने और आंख निकाल लेने की धमकी दी थी। अब इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जिन्होंने भी इस तरीके से जहर उगला था, अब उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का आवर्तन एक्शन में है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने अफगानी काफिर हैं, अफगानी की नजर में पाकिस्तानी काफिर है, पाकिस्तानियों की नजर में भारतीय लोग काफिर है, भारतीय मुस्लिम की नजर में हिंदू काफिर है, हिंदुओं की नजर में अभी भी भाईचारे का कीड़ा है और यही कीड़ा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पीड़ा है। दोस्तों, भारत के सिर्फ असली हिंदू ही नहीं बल्कि भारत की असली वीरांगनाएं भी जो कि सनातनी है, किसी कन्वर्टेड मुल्ले या फिर किसी अरबी कुत्ते की धमकियों से नहीं डरती, ना ही उनके आगे झुकती है। और ये साबित कर दिया बॉलीवुड में काम करने वाली और देश के नेता अभिनेता और कन्वर्टेड मुल्लों की हिंसात्मक गतिविधियों पर खुलकर बोलने वाली, अपने विचार रखने वाली कंगना रनौत ने। दरअसल अभी देश में मोमिनों और मुस्लिम देशों के मोमिनों ने मिलकर नुपुर शर्मा नाम की सनातनी महिला के एक सच्चे बयान पर सवाल और बवाल खड़े कर दिए हैं, जिस बवाल का और उनके सवाल का ना तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा के कुरान में लिखी सच्चाई को पढ़कर सुनाने भर से भारत के परिवर्तित मूल्य तो भड़के ही, लेकिन साथ ही उन 6 साल की बच्चियों के अरबी बलात्कारी शेख और पठान भी इन मोमिनों के छलिया आंसुओं के समर्थन में उतर पड़े हैं। और भारत को लगातार एक के बाद एक मुस्लिम देशों से गीदड़ भरी धमकियां दी जा रही हैं। कोई मुस्लिम देश कहता है कि हम भारत के लोगों और उसकी कंपनियों को अपने देश से निकाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम भारत के साथ कोई भी विदेश नीति का समझौता नहीं करेंगे, तो कोई कह रहा है कि हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इनसे सवाल यही है, वही है कि इस्लाम के ये बेबुनियादी नुमाइंदे आखिर कब तक इस्लाम की और अपने पैगंबर की हकीकत से पीछे हटते रहेंगे। खैर, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो कोई बयान नहीं था बल्कि हकीकत थी, जो कुरान में साफ साफ शब्दों में बहुत सदी पहले ही लिखी जा चुकी है। जिसके बाद मुस्लिम मीडिया चैनलों ने नुपुर शर्मा के उस डिबेट को कुछ इस प्रकार से पेश किया तोड़ मरोड़ कर, ताकि ये छोटा सा मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर छा जाए और भारत में जो चल रहा था मंदिर मस्जिद विवाद जो चल रहा था उसको खत्म किया जा सके या छुपाया जा सके। और सभी जायज और नाजायज मुस्लिमों को हर बार की तरह अपना शक्ति प्रदर्शन और हिंसात्मक किसी के जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा। और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है, हिंदू विश्वास क्यों टूटा है, उसके पीछे कारण यही है। जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग, पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें। और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। उस समय पर अगर ये कोई मुकदमा लग गया, एक आदमी नहीं बचाने आएगा, फिर तुमको शायद हम ही याद आएंगे, हमसे ही कहोगे तुम जाकर के उस चीज, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम ही तुम्हारे घर 24 घंटे रह रहे हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं भाई, तो समझो हर चीज को जानो। और किसी का क्वेश्चन हो तो मैं खड़ा हूँ ना, मुझे करो ना क्वेश्चन।
याद आएगी। बताओ आपके पास किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई ना जब बैठा दी हैं जिन्होंने बरगला कहते या कैसे भी, आज इससे ज़्यादा कोई NRCCA की फुल फॉर्म मालूम नहीं है। बताओ भाई क्या है ये, क्या है? दूसरे कंधे बंदूक रख कर चला रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? वो मेरे सामने आए ना जो नेता जो कह रहे हैं इस चीज़ को, वो मेरे सामने आए, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, तुमको बता दे रहा हूँ।